किन लोगों ने कहा था? बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे। आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी, और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा किन लोगों ने कहा था? बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे, ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया, और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी एचएएल, ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी, क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है सर, वैसा ही उस समय एचएएल फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था, और वहां के कामगारों को भड़काया गया था, अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है, देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा।
वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोपों के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है, क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे।